with a new video. So after a long time, क्योंकि यार कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो टाइम नहीं मिला और कंटेंट भी नहीं मिल रहा था. बट आज हम मैं हूँ दून में और हम सब फ्रेंड लोग जा रहे हैं डे आउट कैंपिंग प्ले कैंपिंग पे. तो हम जा रहे हैं वहाँ कहाँ, मालदेवता. जब लास्ट टाइम गए थे, लास्ट ब्लॉक था जो मेरा, मालदेवता जा रहे हैं. बट उससे थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं जो कि है द्वारा, थोड़ा फॉरेस्ट टाइप का है, तो वहाँ पर हम करेंगे डे आउट कैंपिंग. तो मेरे साथ है ये आपको ना सर और आई होप आप लोग सब घर में सेफ होंगे. कोरोना से आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, अगर पड़ा भी है तो कोई बात नहीं, हमारी लाइफ में भी पड़ा है. ठीक है, सेम है सिचुएशन, बाकी देखते हैं, मिलते हैं आगे. ठीक है गाइस, ये मास्क कैसा लग रहा है? जस्ट मैंने अभी परचेज किया है, मेरा पुराना वाला था, थोड़ा सा फट गया था वो, ताकि बेइज्जती ना हो मेरी सबके सामने, इसलिए मैंने नया वाला मास्क लिया. और टाइम था ना, मैं लेता भी नहीं क्योंकि चल ही रहा था वो. और वह सर्वे चौक थोड़ी सी दूर पर है, तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर सबसे मिलेंगे और सबसे आपको मिलवाते हैं. बढ़िया, ऐसे बोलते 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 मास्क नीचे आ जा रहा है. ठीक है, इसको दोबारा ऊपर कर देंगे, ज़्यादा ऊपर हो गया ये. नाउ दिस इज द राइट पोजिशन. ठीक है, तो चलो मिलते हैं आगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, वैसे सब्सक्राइब कर दिया होगा बट कर दो. आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो रही हैं, क्योंकि यार मीन्स डिपेंड करता है, जब मेरा मूड होता है तब बनाता हूँ, क्या अगर मूड ना होता फिर बनती भी नहीं है वीडियो मेरे कहने. जैसे कि अभी हम वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा वहाँ पे, क्या क्या बोलते हैं उसे, मैगी और चाय बनाएंगे हम जस्ट फॉर स्नैक्स और पार्टी. ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सामान लेना पड़ेगा. सही बात, तो चलो मिलते हैं, लेते हैं सामान. हम ले रहे हैं सामान, हमारा माल बना हो गया, हम कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट. थैंक यू भैया. हमने ले लिया सारा सामान, बाकी सब लोगों का मैसेज आ गया ग्रुप में कि सब लोग ऑन द वे हैं, आने वाले हैं यहाँ पे, और सब लोग मैक्सिमम लोग मिल चुके हैं. और ये है भाई, ये है, ये तो मैंने, ये लोग आएंगे कार में और हम लोग जाएंगे स्कूटी में. ठीक है, लोग उनको जानते हैं आगे आगे, फिर पीछे पीछे हम चलते हैं. हम लोग चल पड़े, हमारे आगे जा रहा है दानी भाई जो हमें गाइड करेगा. ठीक है, और पीछे आ रही है जो कार आ रही है उसमें है बाकी लोग, और हम लोग हैं थोड़े स्टड लौंडे, तुम जाते हैं टू व्हीलर्स में. ठीक है, तो चलो आगे का व्यू दिखाते हैं. चेंज कर लिया अपना व्हीकल जस्ट बिकॉज बोलूँ तीन लोग थे बाइक में, एक को जिसमें मैं आ रहा था भी उसको जाना पड़ा उनको लेने के लिए, उनमें से एक बंदे को लेने के लिए, ताकि वो दो दो हो जाए, पेयर का हो जाए और दिक्कत ना हो कुछ चलाना वगैरह की. तो मैं आ गया हूँ उस वाली गाड़ी में. तो बस आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत बहुत बड़ी हो गई थी और सब लोग एक साथ थे नहीं, उसके वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई. ओके, विल मैनेज. But then I thought, man, what's the point? There are rose filled light, tears are running fast. Still, apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason. सब लोग पहुंच गए यहाँ पे, तो सबसे इंट्रोड्यूस करना से बढ़िया हाय बोल दो यार. हेलो, जब बच जाएगी. हेलो सर, बिग फैन सर, बिग फैन. ओह ये, थैंक यू सर, थैंक यू. ऐसे बात खुशी होती है कोई. हमें और आगे जाना है अभी. हाँ, पैदल जाना है. यहाँ से थोड़ी जाना है, पैदल जाना है. आगे से जाना है पैदल, हमें अभी थोड़ा सा आगे से पैदल जाना है. अच्छा, बहुत मशक्कत करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए और टाइम हो गया, एक बज गए. हम निकले थे वहां से 11 बजे, निकले थे 1 बजे, पहुंचे हैं, बहुत जल्दी आते हैं. ड्यू टू भबरी गए थे हम, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुंचे, समझ गए ना. ओ अच्छा, अरे लो लेस खा रहे हैं. मैं तो इधर चलाते नहीं, तुम लोग रख लो यार, मेरे को पैसे दे दो बस, उसकी वजह से हो जाएगा. ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर. सो जय माता दी, जय माता दी बोल के चलेंगे. काफी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लाना पड़ेगा मजा. इससे ज्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. कहाँ पे? वैष्णो देवी. सब गए हो?
नहीं जब छोटे थे तब गई थी हमारे लिए वैष्णो देवी से कम भी नहीं है काफी ऊपर जाना है ऊपर हाँ यार दो मिनट रुको शायद मैं व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा गाइस फाइनली वी रीच हियर और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं पर हमारी टीम हमारी टोली ये है ठीक है तो लेट मी शो यू चेहरे के रंग बदल गए सब लोगों के वही तो बोल रहा हूँ चलो अरे चलो चलो यार चलते पहुँच जाएंगे उस वाले हमें टॉप में जाना है ठीक है और ये लोग बोले गाने बजाओ गाने बजाओ तो मैं गाने बजाना पड़ेगा तो इसके लिए इसमें कॉपीराइट ना आए तो मेरे को बंद करनी पड़ेगी वीडियो मिलते हैं थोड़ी देर बाद ठीक है फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ सब लोगों की हालत ख़राब हो गई है ठीक है तो दिखाता हूँ मैं और लोगों को भी ये लोग का अलग ही चल रहा है सीन शॉट हमारा अलग ही चल रहा है हम व्लॉगर भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार इतने ऊपर आए पता है ओ वहाँ से कितने उस साइड से ऊपर आए अभी जा थोड़ा रेस्ट करते हैं थोड़ी बातें करते हैं उसके बाद कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं मैगी चाय वगैरह और कोल्ड ड्रिंक लाए ना कोल्ड ड्रिंक भी ग्यारह हाँ पहाड़ में ऐसे तो होता है मुट्ठी गिलास में पानी भी लेते लोग खाना खाने के बाद तो देखो भाई लोग वो चल रहा है भाई लोग का फोटोशूट कहते ही मॉडल फोटोशूट चल रहा साठ बजे एक बाइट लगाओ सिनेमेटिक शॉट ओ ये अंगो तू भी ये देखो भाई तो दादू को चारा लगाएंगे कल का अरे तुम तो वहां मुड़ा दे रहा है खाने टाइम यार भाई क्यों करा खाया ही क्यों इतना सा यूनिट और ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक हमने खा लिया स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक और इसे क्या बोलते हैं मेरा नहीं किसी और मफिन्स और कोल्ड ड्रिंक्स मफिन्स और थिंग्स कोल्ड ड्रिंक और मफिन्स हमने खाई है और तू दो दो खा रहा है बेटा खा लिया था और हमने सारा क्या रखा है इसके अंदर कुछ कूड़ा है सारा कचड़ा है क्योंकि चीजों को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए इतनी अच्छी जगह पे ठीक है स्वच्छ भारत अभियान सोशल मैसेज देना भी जरूरी होता है बना बन रही है हमारी मैगी ये है टमाटर ये है प्याज और ये थिन ग्राम और ये है मैगी और ये मैगी मैगी है ना हाँ दो मिनट में बनने वाली मैगी जो कि दो मिनट तो मैं आग जलाने लग गए दो मिनट में पाँच मिनट कितने रुपये वाली है ये भैया 45 रुपये की दूसरे लेकिन अरे लड़की दिखने में अच्छी थी ना कुछ बोल ही नहीं पाया भयंकर उसके चक्कर में समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो मेरे
अरे ये तो चूल्हे में लगी थी यार, आज से बुझा बुझा ना होगा तो जिंदा बचती मिलती दौड़ के लिए आता क्या आएगी तो जाने और जो पिता है वो मेरे पीछे छोटी पिता वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं मैं तो देखने नहीं आ रहा ना अरे सबको मिलेगी सबको वैसे आपकी चाय की थोड़ी सी मतलब भाई हम तो ऐसे लोग हैं कुछ ऐसा लगा चाय में चाय से लगा तेल फूटे खा लिए मैगी अब है बारी चाय की अब हम बना रहे चाय हमने खा लिए मैगी और यहाँ पे धुल रहे हैं क्या बोलते हैं कढ़ाई कढ़ाई हमें पूरी साफ चाहिए जो सफेद कढ़ाई हमने काली की थी हमने पूरे पैसे दे रखे कढ़ाई धुलने के अच्छा तो काम भी पूरा होगा जैसी कढ़ाई हमने लाई पूरे 50 पैसे दे रखे इनने मुझे अच्छा इट्स टाइम फॉर टी घुस गया मुंह के नाक से चाय पी रहे प्रोग्राम हो गया ओवर सारी चीजें खत्म हो गई है खा भी लिया पी भी लिया अब टाइम है इस आग को बुझाने का क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकती है आपके लिए इसका कैंप हो गया खत्म अब हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं अपने सदैव आपका आशीर्वाद इष्ट देवता का आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहना चाहिए यार कुछ नहीं होता है यार वीडियो तो हर कोई देखता है सब पे डाटा रहता है दो मिनट भाई भला हो जाएगा सही बात भाई बहुत टाइम मिल जाएगा कुछ नहीं है बहुत टाइम मिल जाएगा यार कुछ थोड़ी होना हां लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड फॉरेस्ट फायर का थोड़ा डर है वो चीज का ख्याल रखना जरूरी है रूट बता देना हाँ ये आपको जैसे मेन देहरादून है वहाँ से आपको रायपुर सुना होगा तो रायपुर चौक से सीधे सीधे मालदेवता के लिए पूछ लेना फिर नीचे जड़ पे पुल पड़ता है पुल से अगर हम पूरा रास्ता पकड़ेंगे एक रूट लेफ्ट और राइट को पड़ता है लेफ्ट को जाता है तुम्हारा मालदेवता का जो वो है फॉल है और राइट को पकड़ो तो आते रहना ऊपर तो आपको अपना की जगह लोकेशन मिल जाएगा रास्ते पूछ सकते हो आते नाम क्या था द्वारा व्यू पॉइंट है शायद बाकी काफी सही जगह टाइम पास के लिए और पीस के लिए ठीक है बट बाकी एक चीज़ अगर आओ तो अपने सारा पार्टी वगैरह जो भी करते हैं उसके एंजॉयमेंट के बाद चीज़ यहाँ पे गंदा मत छोड़ना जैसे हमने कुछ भी करा तो हमने सारी चीज़ें पैक कर लिया जला दिया हमने उसको तो अब जला देना सही गंदगी मत करना ठीक है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय।